ये दोनों गेट खुल जाता है। बेशक आज हमारा बेटिंग रिट्रीट नहीं हुआ था, लेकिन अब ये गेट खुलने वाला है। अभिनंदन जी के लिए, पूरा भारत उनको अभिनंदन के लिए तैयार है। अब कितना दूर रह गया आप देखिए, बीएसएफ के अथॉरिटी ऑलरेडी वहाँ पहुंच गए हैं, पाक रेंजर्स भी वहाँ पर बैठ चुके हैं, हमारे जो अमृतसर के डीआईजी और आईजी जलंधर वहाँ पर बैठ चुके हैं, और पाकिस्तान रेंजर्स के जो वहाँ पर अधिकारी है वो भी पास में है। अब गेट खोलने का वक्त आ गया है और अभिनंदन जी को अभिनंदन। ये जो तस्वीर है ये पाकिस्तान की तरफ से लिया गया, ये पाकिस्तान के तरफ से, ये पाकिस्तान का वीडियो है, पाकिस्तान के तरफ से है। इसलिए हमारे जो बीएसएफ के ऑफिसर्स आप ये नजर आते हैं, और पाकिस्तान रेंजर्स का जो पीछे वाला भाग है वो नजर आता है। ठीक इसके पीछे आप देख लीजिए कितने दूर रह गया, अब सिर्फ 3-4 गज का फैसला है। अब ये गेट खुलेगा और अभिनंदन जी अभी भारत के अंदर प्रवेश करेंगे। ये वहाँ पर ये क्या लाजमी कार्रवाई कर रहे हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान रेंजर और बीएसएफ के बीच में, पाकिस्तान रेंजर इसको हैंडओवर करेंगे बीएसएफ को। और बस अभी गेट हमारा जो रिट्रीट में जैसे गेट खुलता है, अब दोनों साइड का गेट खुलेगा और पाकिस्तान रेंजर सिग्नेचर कराते लाजमी कार्रवाई पूरी हुई। और अब उनको फॉर्मली कहा जा रहा है कि अब आप भारत की सीमा में एंटर करने के लिए फ्री है। वो एक जो रेंजर थे वो जीरो लाइन से वापस आए, कुछ वहाँ वो कुछ कागजी कार्रवाई कर रहे थे, फिर वापस अभिनंदन का पोस्चर देखिए, ये वीर सैनिक बिल्कुल सावधान में खड़े हैं, मातृभूमि में घुसने के लिए तैयार नहीं है उनके मध्य। उनके आप खड़े होने का रवैया देखिए, हमें बड़ा गर्व हो रहा है इनको देख के। इस समय वो पाकिस्तान की मिट्टी पे खड़े हैं, चंद कदम बाकी हैं इंडिया में आने के लिए, लेकिन उनका रवैया परफेक्ट है। भारत इंतजार कर रहा है, पूरे देश को इंतजार है इस पल का। विंग कमांडर भारत की धरती पर कदम रखे, पूरा देश इंतजार कर रहा है, बाएं फैलाए। अभिनंदन पाकिस्तानी अफसरों के साथ बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं, बिल्कुल किनारे पर है, कुछ कदम दूर है इस वक्त, वो पाकिस्तानी जमीन पर है, जीरो लाइन के बिल्कुल करीब है, और कुछ ही क्षणों बाद वो भारत में होंगे। लेकिन पाकिस्तान ने विंग कमांडर को हैंड ओवर करने से पहले एक और गंदी हरकत की, विंग कमांडर का एक वीडियो रिकॉर्ड किया। इस वीडियो में पाकिस्तानी फौज की तारीफ करवाई गई है, इंडियन मीडिया की आलोचना करवाई गई है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में 18 कट है, इसे बार बार एडिट किया गया है। मतलब साफ है कि विंग कमांडर जो कहते दिखाई दे रहे हैं वो उन्होंने कहा नहीं है, उनके वीडियो को काट छाट कर अपने हिसाब से पाकिस्तान ने तैयार किया। और विंग कमांडर को भारत सौंपने से 15 मिनट पहले पाकिस्तानी मीडिया को ये वीडियो रिलीज किया गया। पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की है प्रोपेगेंडा वार में अपर हैंड लेने की। रजत जी, ये जो महिला है ये पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्ट्री की है, तो वहां पर केवल आप देखें कि विंग कमांडर अभिनंदन के साथ जो शख्स खड़े हैं वो एयरपोर्ट के, वो हमारे डिफेंस अटैची है। वहां पर ये महिला जो दिखाई दे रही है, ये पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की रिप्रेजेंटेटिव है जो इस हैंडिंग ओवर सेरेमनी में यहाँ पर आई है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ रजत जी, ये जो जिस तरीके से ये वीडियो वगैरह सब बनाए जा रहे हैं, खड़ा करके रखा हुआ है उन्होंने विंग कमांडर अभिनंदन को अपने रेंजर्स के बीच में, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा टूल है, वरना ये सब करने की उनको जरूरत नहीं थी। पेपर वर्क पूरा हो गया तो वो सीधे बॉर्डर जैसी सिचुएशन होती है, तो आज के जमाने में खासतौर पर मीडिया पर क्या दिखाया जा रहा है, कैसे प्रेजेंटेशन किया जा रहा है, उस मीडिया को कैसे वायरल किया जा रहा है। आपने देखा जब विंग कमांडर को पकड़ा था पाकिस्तान की फौज ने, उससे पहले भी उनके जो वीडियो बनाए थे उन वीडियोस को उन्होंने तुरंत रिलीज किया। जैसे जैसे उनकी आलोचना हुई कि मारपीट की गई विंग कमांडर अभिनंदन के साथ में, उन्होंने उस वीडियो को रिलीज किया। तो आज के जमाने में ये बड़ी बात है, और ये एक और वीडियो बनाया है, और वहां के प्राइम मिनिस्टर के ये ऐलान करने के बाद, क्योंकि मुझे इमरान खान का सेंटेंस याद है, उन्होंने कहा था पीस प्रोसेस के लिए, अभी वो बढ़ रहे हैं, अभी जस्ट बढ़ रहे हैं, गेट क्रॉस हुआ, अभी वो हमारे देश में प्रवेश कर गए हैं, बीएसएफ का ऑफिसर जो है उन्हें रिसीव किए हैं। अभिनंदन जी को अभिनंदन के लिए भारत के जमीन पर, अभिनंदन अब भारत में है, भारत की सीमा में दाखिल हो चुके हैं, अब वो जीरो लाइन के पास बॉर्डर के पास भारत में है। 58 घंटे रजत जी बिताने के बाद पाकिस्तान की कस्टडी में आखिरकार भारत लौटे अभिनंदन, भारत के जमीन पर है। अभिनंदन जी आपको हम अभिनंदन करते हैं। हमारे स्टूडियो में जो आर्मी के रिटायर्ड अफसर है वो खुले दिल से अभिनंदन कर रहे हैं। अभिनंदन का सबसे ज्यादा खुशी मैं देखा उनके, उन्होंने तालियां बजा करके स्वागत किया,
उनकी जो भावनाएं हैं वो देखते ही बनती है और इसी तरह की भावनाएं पूरे देश में है सौरभ। बिल्कुल रजत जी ठीक आपने, और बता दें कि पूरा देश इस लम्हे का इंतजार कर रहा था जब से 27 तारीख की सुबह ये खबर आई कि उनका प्लेन पीओके में क्रैश हुआ है और उसके बाद पाकिस्तान में जिस किस्म की हरकतें उनके साथ की गई, ऐसा बर्ताव उनके साथ किया गया और उस सबके बीच भी भारत के इस वायुसेना के पायलट ने, इस योद्धा ने, इस वीर पराक्रमी ने जैसा कंडक्ट दिखाया, बर्ताव दिखाया अपना, एक लम्हा नहीं लगा कि वो किसी भी किस्म की शर्म। हमारे स्टूडियो में जो ऑडियंस आई हुई, जनता आई हुई है, उसके बीच में कैसा माहौल है ये जरा देखते हैं, वाकई में देखने वाला है। तो 12 बजे से जिस लम्हे जिस